సమాంత్ర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. अभिनंदन का प्रोग्राम भी है, सुने सबको करना है जो योगदान दिया है। तो बी श्याम सुंदर जी के विचारधारा को मानने वाले हस्पी साहब थे। हमने कार्यक्रम करने से पहले एक तो हम बेलदार सर से और उनके साथियों से मिले और बाद में हस्पी साहब से मिले। ये कार्यक्रम अच्छा कर रहे हैं आप, करो इसको, मैं सारा योगदान दूंगा उसका जो भी चाहिए। तो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए योगदान दिया और हम लोग मार्गदर्शन किया। तो हमारे साथियों से और समाज की ओर से उनको भूल गए थे और वो दुश्मना को तुम भूल जा रहे, जो पी श्याम सुंदर को धोखा दिए दुश्मनी करे उनसे तुम भी दुश्मनी करो, उसके लिए मैं जान माल के साथ तैयार हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद कहते हुए इस संदर्भ में अनिल बेलदार सर अपने जो कुछ बात कहे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और नम एल महापुरुषर अनसुत हिंदी हेलो करते हुए जलो सर। तो मैं ये क्या दो मिनट में अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं 30 से 40 साल 50 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि ये कार्यकर्ता कोई है सभी अपने जगह पे और काम करने वाले, हमको विचारधारा बाहर लेके जाना है। तो मैं इस मंच पे विराजमान सभी हमारे बीदर जिले के आए मेहमानों का एक बार मैं जय भीम के साथ उनका स्वागत करते हुए, जो परसों का जो कार्यक्रम हुआ, हम तो हमारे धड़के साहब इधर बैठे हैं, मैं तो अपने दादाजी के ज़माने से हमारे भीमनगर में श्याम सुंदर साहब आते थे, तो उस जमाने से छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम होता था करते थे। पहली बार कामड़े साहब हमारे मार्गे सभी साथी मिलकर एक बड़े कार्यक्रम करने का तय हुआ और वो रंग मंदिर में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और ये आगे आने वाले दिनों में बीदर में सही एक हमारे जो बीदर की बसवा भूमि जो क्रांति भूमि है यहाँ से एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। तो मैं यहाँ पर दो बातें हैं, एक रिव्यू मीटिंग है और एक फ्यूचर प्रोग्राम है। रिव्यू मीटिंग तो हमने प्रारंभ किया था, प्रारंभ में बच्चा कुछ गलती करता है, उठता है बैठता है तो बच्चा तो अब चलने चाया हो गया बीदर से। अब फ्यूचर प्लान देना है मेरा, क्योंकि मैं भी 30 साल से संगठन से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। हमारा संगठन और हमारा मूवमेंट क्यों फेल हो रहा है बोले तो हमको राष्ट्र स्तर पर हमको कोई बोलने वाला नहीं। अगर मैं बीदर में कुछ कार्यक्रम करता हूँ तो बाजू गुलबर्गा में मेरा भाई सुनने को तैयार है। तो ये सभी बातें आप अपना एक प्लान दीजिए, वो प्लान के हिसाब से हम काम करते हैं और हम सारे हम दो तीन लोग हमको कहीं जाना है दूसरे प्रोग्राम को, अगर आप हमको इजाजत दिए तो बहुत ही। तो मैं सभी की तरफ से आप सबको विनती करता हूँ, जितने भी संगठन हमारे भी दूसरे दूसरे भाई बैठे हैं संगठन के, हमारे पास हम संगठन बनाने के लिए हम टाइम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, हमको कोई देने वाला नहीं है, मगर हमारे भाई बंधु संगठन को तोड़ने का काम और विचारधारा को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं उनको मैं सभी से मैं हाथ जोड़ते विनती करता हूँ। इस सभा के और से उन सभी जो भी भाई रहे उनको भी मैं विनती करता हूँ कि संगठन से जुड़े, बाबा साहब के विचारों से जुड़े, यही दो आशा और विश्वास के साथ मैं अपने दशक से मांगता हूँ। जय भीम, जय संविधान। वो हमारे मराठवाड़ा के रहने वाले हैं, तो प्रमोद सर से मैं कॉन्टेक्ट किया और हमने जो मीटिंग कर रहे हैं आप इसके लिए आई है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा मिलेगा और जो आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम योगदान देंगे और हमारा मार्गदर्शन देंगे और जो आप कर रहे हैं आप बताइए, उनके हमने उनको बुलाया तो मैं विनती करता हूँ। मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये रिव्यू मीटिंग है। मैं तो पहली बार ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब शुरू किया इसके ऊपर देखना श्याम सुंदर जी के ऊपर, तो एक चीज़ पाया कि कोई भी इनको याद नहीं रखता है, मराठवाड़ा में भी याद नहीं रखता है या इधर भी देखा मैंने, या फिर उनका लिटरेचर कुछ अवेलेबल भी नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। आपको अगर उनका लिटरेचर
देखना है या पढ़ना है समझना है उसके लिए भी। इतना ही नहीं, वो इवन उन लोगों का एक रीइमेजिन किया था उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को भी, एक माइनॉरिटी स्टेट्स का भी एक वो लोग कोशिश किया था, बहुत सारे पांच ऐसे माइनॉरिटी राज जिसमें माइनॉरिटी बहुजन सत्ता में कैसे आ सकते हैं, वैसा एक उन लोगों का एक इमेजिन स्टेट बनाने का कोशिश भी वो लोग किए थे। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। श्याम सुंदर जी फर्स्ट दलित है जो यूनाइटेड नेशन को एड्रेस किए थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं बात कर सकते हैं, बट ये रिव्यू प्रोग्राम है तो मैं बस आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आपने उनकी याद में कुछ प्रोग्राम किए, उनके जो लिटरेचर है वो पब्लिश करना चाह रहे हैं। इतना बात करते हैं तो पहला मैं इस कार्यक्रम जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे अशोक मार गए हैं, पहले मैं उनको मंच पर आकर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के पीछे हमारे सुनील कुमार रोहिले सर भी बहुत योगदान दिया, तो उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं तो उनको भी अभिनंदन करें। क्या तो 30 लोग थे उसमें सिर्फ 22 लोग का सम्मान हुआ, उसमें साफ का मिस हुआ। मैं पहले ही बोला कि मैन पावर कम रहने की वजह से घर तक जाके सभी उनके पास ही बैठे, उनके साथ ही सब किए। वो जो किताब था वो भी ट्रांसलेट करना था, जिन्होंने ये दूसरे एडिशन में डाला था वो परमिशन के चक्कर में रह गया उनके पास ही है, उन्हीं के साथ बैठे थे, उन्हीं को कार्ड पहुंचना नहीं हुआ। तो मैं समंतरा पब्लिकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो उनका सम्मान करें। और ये मूवमेंट जो है मूवमेंट घर में ही रह गया हो, मूवमेंट घर पे जाके मूवमेंट घर में जाके उनको दे देंगे। माजी संसद सदस्य एक्स प्रेसिडेंट को अपने बात आज के श्याम सुंदर जी के 112वीं जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन हुआ उसका जो रिव्यू मीटिंग है, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, तो उस मीटिंग कार्यक्रम कैसे चला, उसके क्या कमियाँ थी, हम आगे उस कार्यक्रम को कैसे आगे ले जाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और मैं पहले बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि मेरा परिचय दे सकता हूँ थोड़ा सा। मैं बीदर का हूँ, नज़दीक का बीदर का नहीं हूँ दो बीदर मेरा पढ़ाई यहीं से शुरू हुआ, फतेह दरवाज़ा स्कूल, इसके साथ साथ मंगलपेट, अभी शायद मैं परसों देखा वो स्कूल नहीं है होंगे, और कर्नाटक का हाई स्कूल, कॉलेज का पढ़ाई हुआ हैदराबाद, क्योंकि मेरा गांव है यहाँ नज़दीक वड्डी, आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से एक फेमस आदमी आपके बीच में नाम रहा है, वो है डॉक्टर अडियप्पा। तो मैंने BHL में जॉब करते हुए रिटायर्ड हुआ हूँ, 10 साल हो रहा है। तो मैं श्याम सुंदर जी को जैसे अपने महादेव जी ने कहा है कि मैंने नज़दीक से देखा है, तो मैं बच्चा था, मेरा दिमाग में उतना ये नहीं था कि हम ये है वो है, नहीं, इस अंधविश्वास को ले जाते हैं। अंधविश्वास तोड़ने के लिए बुद्धा इस धम्मा में बहुत सारे अपने को संदर्भ मिलता है, भगवान है या नहीं है तो कैसा है, तो बाबा अपने को
एक्सप्लेन किए है उसमें बुद्धांड दमा खाली पचशील त्रिशरण करो असमारण कर बोलो ये नहीं सिर्फ बरोबर बुद्धिज्म लेना है ये मत सोचो हम बुद्धिज्म पहले से बुद्धिज्म ले उसका अनुसरण करो और प्रचार करो यदि प्रचार में रुक गया तो भी मर जाता है अनुसरण करने से भी नहीं करने से भी मर जाता है एग्जाम इसके साथ साथ मैं ये कहने इतना मैं समय दिया है मैं आपके सभी साथियों को और मेनली कामड़े जी को और अपने बेले साहब को सभी को मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ जय भीम जय बुद्ध जय बहुत बहुत धन्यवाद सर का सर किशन और दिनेश सर बात करेंगे फिर बाद में खाना खाएंगे खाना खाने के बाद तीनों गेस्ट का बात सुनेंगे फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे किशन और दिनेश सर नमस्ते सब लोगों को मैं ज्यादा काम लेने लूंगा जो श्याम सुंदर के यहाँ पर आते थे उनके साथ जो हम बैठे उठे हैं इसी के बारे में दो बातें बर्तन बढ़ता हूँ मैं और कुछ नहीं श्याम सुंदर जी जो है जब भी आते तो हमारे बीदर गुलबर्गा भालकी वगैरह फिर के जाते थे उधर उनके तो जब भी उनका आने का प्रोग्राम रहता था लोगों को मालूम होता था यहाँ पर चंद लोग थे मुखिया लोग उनको मालूम होता था तो वो पूरे लोगों को जमा करते थे यहाँ का जो भी लोगों का दुख दर्द है उनके सामने बोलते थे और उसके लिए उन्हें खुद जो है मिलके जाकर ऑफिसर हो कोई भी होगा जब 12-13 साल के थे जब शुरू में बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाते थे तो हमारे भीमनगर में ही मनाते थे बाद में जरा पूरे हम आतरात के खेड़े गांव के लोगों को बुलाते थे उसके दिन उनको जो खाना उन्हें खिला दिया करते साहब का भाषण होता था उन्हें हुए रहते थे और साहब का हम पहरा करते थे रात में अगर सो जाते हैं तो बराबर लाठी लेकर थे उसके बाद इसमें शुरू हुआ बड़े पैमाने पे हुआ तो उस्मानगंज में तो उस्मानगंज में गेट में एक स्टेज रहता है स्टेज के ऊपर एक ही कुर्सी एक टेबल उसके ऊपर पानी का है साहब एक ही बैठते थे और दूसरे भी लीडर है सो नीचे बैठते ये लोग जाकर पूछे हम इस छतरी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति बिठाना चाहते कहा बिठाते तैयार है क्या तुम हाँ हुजूर तैयार करके अरे आप जो है उसको निर्धारण करने चलो करो बैठाओ तो रखे तो सीधे जाकर आज लोगों को किसको मालूम है क्या कर रहे क्या रहे इसमें से सीधे आते ये चिड़ी लगा के जो ऊपर उसको बिठा के बोर्ड बिठा के ठहर गया फिर उनको बुलाए बुला के जो उनके चिड़ी से चढ़ा के जो खोला वगैरह डाल के जो है चले उस मामले में भाषण था कहते हैं आज हमने गीदर में छतरी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण किया है किसी माई के आधार का हिम्मत नहीं होगा उस मूर्ति को वहां से हटाने का हम मरेंगे मगर मूर्ति वो ताहत मरेंगे अम्बेडकर चौक कहीं से भी जाओ कहीं भी जाओ अम्बेडकर चौक वही उन्होंने बिठाया सो गए तो मैं ज्यादा टाइम लेते हुए मेरे इस उम्र में साथ ये कर रहे हैं और उन्होंने भाषण करते हो तो मैं भी लाठी लेकर ठहरता था सुन
मेरा 82 साल है, रिटायरमेंट होकर 24 साल चल रहा है मेरा। तो मैं जो कुछ भी देखा हो उनके साथ में मैं उतना नहीं भूल गया हूँ। साहब मेरे को चांस दिया जो बहुत बहुत धन्यवाद किशनराज जी सर को। उससे पहले आप सभी जो उपस्थित है, जो आप पहले कार्यक्रम में जो रहे हुए उनका जो रिव्यू है आज, मैं महेश गुणवाकर सर जी से स्टार्ट करना चाहूंगा। आ जाओ, रिकॉर्ड होता है। मंच पे उपस्थित वरुण कुमार सर, मुक्सुद सर और बीबी मेश्राम सर को मेरा सबसे जय हो। इवत भाला दिग्गज हिरीयर मुद्दे ना स्वल्प एलो किलो मिस्टेकू आते अंदर ना इन तक अदी ना कंबे महदेव कंबे बी श्याम सुंदर साहेब बैठे दुड कार्यक्रम नम जो चर्चे बी श्याम सुंदर साहेब नम धनिके साहेब दीने साहेब मरेप होसमनि मत चंद्रप हेबार वर्ष मुंचा सणसरी बर्ती कार्यक्रम बी श्याम सुंदर जयंती क्लीन अण्वर मास्ती ना सण बनर मास्कोती बंद वालंटियर आगे दुडले केस ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಇವರನ್ನ ಕಾನ್ಶಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದಾರ ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಶಯ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇವರು ಇವ್ರದೊಂದು ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿದಾರೆ। ಜೋ ಕಾನ್ಶಾಮ್ ಸಾಬ್ ಔರ್ ಬಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸಾಬ್ ಯೇ ಕಾಮ್ ಕಿಸ್ಕೆ ಉಪರ್ ಕಾಮ್ ಕರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಔರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಈ ದೇಶ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಹೋನೆ ಕಾ ಹೈ जब हम खेड़े गांव में काम करना है हर संडे तो आइए। हम तो रोज जाने का क्या जी तुम्हारे घर नहीं के बोलते घर है और कितना में है उतना में खा के मजा में हम बहुत कमाने की जरूरत नहीं है हमको कितना है उतना में अच्छा खा के मजा करना है। हम बहुत मोहब्बत खुशी से काम करें सब। आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपके साथ हर एक गाँव में आपको बी श्याम सुंदर साहब का एक सैनिक खड़ा करने के लिए हम रेडी है। धन्यवाद सबको, जय हिंद। आपने संविधानिक आंदोलन के बारे में कुछ बात कहा और उसी के साथ शिवराज जंके सर उनका भी कृपया 2 मिनट में अपने सभी सभी को तीनों गेस्ट का प्लान सुनना है उसके रिव्यू के बारे में। यशोदी जी तुम बोलता मन कामले साहब को नंद दूर से बच्चे हो हिंदी में बोले देर साहब से मेरे को कुछ आता है कामले साहब एक दिन आए सर श्याम सुंदर साहब के बारे में आगे और बड़ा फंक्शन कर दिए सर उनके पीछे मैं बोला उनको करेंगे भाई इसमें कोई बड़ा बात नहीं सब जन मिलकर करेंगे एक से तो नहीं होता वो के बोले और उसके बाद 6 महीने हमको उनको कांटेक्ट ही नहीं उनके काम पे उन हमारे काम पे हम उसके बाद 6 मंथ्स के बाद फिर मुलाकात हुए सर हिंदी सलाह उर्दू हुटीन हब्ब ग्रैंड आगे माड़ी अंत बोले करेंगे बोल के बोले। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग करे अंबेडकर भवन में एक 15 से 17 लोग अटेंड हो गए मीटिंग में। वो मीटिंग में से सर बोले कि एक एक लोग जिम्मेदारी ले तो कौन सा भी तुम जिम्मेदारी हमको श्याम सुंदर साहब के बारे में दो हम तनो मनो धन से काम करेंगे आपके साथ और हम खुद इन्वॉल्वमेंट होंगे क्योंकि हम 17 साल से उनका जन्मदिन मरणदिन सब कर
करते आ रहे बड़े लोगों को लेके, उनके अभिमानी लोगों को लेके करते आ रहा था मैं 17 साल से। आज जितना लोग यहाँ बैठे उतने ही लोग इसी की चेम्बर के सामने यहाँ आए, ये 50 लोग भी बैठ के ये 3 प्रस्ताव के लिए गवर्नमेंट को लिख के भेज देने का बोल के बोल रहे हैं। ये कंपल्सरी ये दक्कन में एयरपोर्ट के नाम बी श्याम सुंदर इनका हिस्ट्री बुक में आना बोल के हम बोल रहे हैं सर। ये मेरा एक आश है, मेरा वैयक्तिक होना बोल के आप लोग का अगर से सबका का ये रहा तो 100% होता उतना बोल के एक दो बात में सैयद मुजीब सर अपना ओपिनियन कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये कैसा है, हम लोग मोमेंट चला रहे अभी, तो मोमेंट में जैसा अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। पहले क्या होता था, एक 2-4 घंटे का लड़ाई होता था सर बीमा का गांव में, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था। अभी दिमाग बैटल ग्राउंड हो गया है, आइडियोलॉजिकल वारफेयर हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मैं जो हुआ पिछला प्रोग्राम मैं उसको इवेंट मानता हूँ। इवेंट और प्रोसेस में फर्क होता है। जैसा 1916 में बाबा साहब को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री मिला था, वो एक इवेंट, ठीक है। 1916 में आंदोलन शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ। आई थिंक मेरे ख्याल से 1932 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अधिवेशन हुआ, अधिवेशन के बाद 42 उसके ये 16 से लेके 42 तक एक प्रोसेस चला, फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम राइट्स मिले। मेरा काम है सोचना, बयान करना, तुम इसके अंदर से मूवमेंट पैदा करो, समझ। इसी तरह जैसा कि शिवाजी महाराज के बाद फूले के अंदर से अम्बेडकर एक मूवमेंट, बुद्धा फिर फूले के अंदर से अम्बेडकर एक मूवमेंट, फिर उसके अंदर से ये सारी चीज़ें पैदा। तो अभी मैं बात खत्म करता हूँ, अभी मैं नॉवेल्स लिख रहा हूँ। नॉवेल्स लिखने का असल मकसद क्या है, लोग जो है बहुजन अगर किताब पढ़ते हैं तो बहुजन, अरे बहुजन की किताब जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। अरे ये नो बहुजन, नो हिंदू, नो मुस्लिम, इंडिपेंडेंट पढ़ा, उसको एक नॉवेल की तरह लिखा। नॉवेल में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, तो नॉवेल में किसी को भी लिया के किसको भी मार दिया, किसको भी कुछ भी कर दिया, तो कोई पूछने वाला नहीं, अरे नॉवेल है सर। तो ये सारी फील्ड में हमारे को हमारा चाहिए। और कुछ सर, मैं उनको इसलिए इंट्रोड्यूस देने लगाया ताकि उन्हें कितना एक्सपर्ट हो गए सर। अरे जो फाउंडर के फाउंडर प्रोफेसर है हमारे पास के, वो बात कर रहे हैं क्योंकि उनका भी इंटरव्यू लेना है सर बाद में, जो बाद में लेंगे। क्या नाम है? बस क्या नाम है? तुकाराम गिरी। सब मैं तुकाराम गिरी हैं, मैं छिद्रित जगह थे, मैं फोन तो चंदा पर थे, मैं अनुबंधित जब तक 9 वर्ष है छिद्रित पटवारी देशमुख देशपांडे यार इधर और इवन लेकिन कुछ बूट अच्छे हम तंदीर करते हुए श्याम सुंदर साहब और भेटी आ जाते थे। श्याम सुंदर हो जाता ना वो भेटी आ गई जाओ मेरा 45 वर्ष में ना भेटे धनु भारती मत छिदी मुझे और संत नम तंदीर जोड़ा था चंद्रपुर गिरी सर। श्याम सुंदर गिरी सर हिंदी हिंदी का क्या हिंदी में बोलो हिंदी का संतान की तो अगर नहीं मेरे पिताजी को देखने के लिए श्याम सुंदर साहब और डॉक्टर साहब हमारे घर आए थे चंद्रपुर को घर आए थे जनवरी से उधमपुर होते हुए हमारे घर आए थे और उस वक्त मेरे को अच्छा मालूम है हम कॉन्ट्रीब्यूशन दिए 1000 रुपये उस वक्त की बात कॉन्ट्रीब्यूशन दिए भारत को देखने के आए सो ये हमको प्रशिक्षण दे रहे क्या लोग नहीं साहब आपको सफर के लिए तो हम हमेशा बहादुर रहे और बहादुर रहेंगे।
और कामरेज साहब ये काम जो शुरू किए उनको बहुत बड़ा संतोष है। हमारे दिल में श्याम सुंदर के जमाने से है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये काम शुरू किए आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आगे आपके लिए तन मन धन से भी हम तैयार हैं आपके साथ है। और हम कई ये बड़े बड़े जितने भी जो बीदर जिले में जो है ना, ये गोपालप्पा साहब मेरे दुकान में बैठ के चाय पिए सब गोपालप्पा साहब है। तो अगर आप चाय बोलो तो ये जितने बड़े बड़े दंपति हैं रीढ़ में हैं एवरग्रीन दुकान में बैठ के चाय पिए सब लोग है और मेरे को तब से जाते हैं। आपके अलावा तालुके में कई जो है ऑफिसर्स है, अभी रेलवे स्टेशन में बैठा है 200-250 है, मैं आते वक्त तुम एवरग्रीन टेलर है जी बोल के पूछ रहे। तो ऐसे हम पूरा जिधर बीदा जिले में माने हुए लोग हैं, आपको हम तन मन धन से साथ दे के आपको मंदिर तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। धन्यवाद गिरी सर को। अब सैयद मुकसद सर अपने बात डाइस पर विराजमान और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवान, एक नौजवान तो एक ही दिखा नौजवान, बी श्याम सुंदर साहब के बारे में जो प्रोग्राम करे उसके बारे में समीक्षा मीटिंग है ये, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी कमियां खूबियों पर ही बात हो क्योंकि वक्त बहुत हो रहा। तो बी श्याम सुंदर साहब का जब हम मूवमेंट पढ़ते हैं तो बी श्याम सुंदर साहब जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लक्ष्य के बाद फिर क्या तरीका उस लक्ष्य को साधन करने के लिए होना चाहिए। तो बी श्याम सुंदर साहब जो लक्ष्य फिक्स करे थे उसको पाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर स्ट्रगल किया। अगर लक्ष्य छोटा रहा है तो उत्ते के लिए करता, तो इसका भी कारण हमारी सोच ऐसा छोटे रहने का कारण भी हजारों साल से है। हमको सबक पढ़ाया गया है, कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, पाप और पुण्यम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके आश्रम क्या करें बोल, तो एक हमारी सोच भी ऊंचा नहीं रहना बल्कि ला के रख दिए। तो बी श्याम सुंदर साहब का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य सब में पहले हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा लेना, उसके लिए काम भी करना, ऑर्गेनाइज भी करना। जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे काम भी बढ़ जाएगा, हमारा लक्ष्य भी बड़ा हो जाएगा, तो दो पेज ऑटोमेटिक आता काशी हम सब करके बताए। तो इतना कहते हुए आप इतनी फुर्सत से सुने, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। धन्यवाद सैयद मुकसद साहब, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उसी तरह वरुण कुमार सर भी अपने कुछ बात रखी। सभी को जय भीम। मकसद साहब श्याम सुंदर साहब के आइडियालॉजी के बारे में बहुत अच्छा उनका विचार रखे। और भाई साहब का नाम क्या है? मुझे मुझे साहब का भी पहली बार मैं सुना उनको, बहुत ही लॉजिकली वो हमारे मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बतलाया उन्होंने। और हमारे वैद्यनाथ साहब, मैं जब बचपन में छोटा था जब से रामकृष्ण ये दोनों कोलिग्स थे समता सैनिक दल, फिर सेकंड टाइम 78 में जब चालू हुआ, जब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था बचपन से, मैं अम्बेडकर जनसंगम से जुड़ा हुआ था, फिर उनके साथ भी जुड़ा हुआ, और जब से मैं एल आर बाली साहब को जानता हूँ। और सेकंड इनिंग्स एक ऑफिस होना चाहिए, उसके लिए एक 50 लोगों का एक टीम है तो बस है, किधर से भी होने दो 50 लोग, कम से कम महीने को 300 रुपये कंट्रीब्यूट करने वाले अगर हो गए तो हमारा काम हो जाता, बहुत बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद लोग जुड़ने लग जाते, काम बढ़ते रहता, विचार भी बढ़ते रहते, आना जाना होता। अभी
विदर्भ तक सीमित है, उसके बाद कर्नाटक तक हो जाता, कर्नाटक से तेलंगाना से जुड़ जाएंगे, ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र से जुड़ जाएंगे, फिर ये साउथ इंडिया हो जाएगा, उसके बाद नॉर्थ इंडिया हो जाएगा। वैसा हम बढ़ाते जाएंगे विचारधारा को, जो बहुजन समाज के विचारधारा में श्याम सुंदर जी भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये काम करने के लिए आज का जो प्रोग्राम है, मैं शुभम से थोड़ा सा हम दे रहा है 2 घंटा, उनके विचार मैं नहीं सुना, लेकिन मैं आप लोग रिकॉर्ड तो करें, मैं सुनूंगा उनके बारे में, हिंदी में बोले अच्छा अच्छा कर्नाटक, लेकिन मैं सुनेंगे उसको भी। और आप लोग सब लोग आज का जो ये समीक्षा है इसका बहुत अच्छा हुआ। मैं माधव से बोल रहा था, सब लोगों को बुलाओ और सबका धन्यवाद भी देना है, और लोगों को जोड़ के और आगे ले जाने के लिए एक योजनाबद्ध प्रोग्राम भी ले लेंगे। और ये चलकर आगे नेक्स्ट ईयर आज के दिन हम बहुत आगे चले जा सकते हैं, उसके लिए हम आज यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे। और ये उम्मीद करते हुए मैं अपना शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं सभी से विनती करता हूँ, अब दो सब वक्ताओं का भी बात सुने हैं, हम औरंगाबाद से आए हैं, उनका भी बात सुनेंगे, और जो भी मार्गदर्शन देंगे वो हम फॉलो करेंगे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ई वी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर और मूल निवासी बहुजन समाज के सभी महानायक महानायिका, इनके आचार विचार तथा प्रतिमाओं को मैं प्रथमतः अभिवादन करता हूँ। और इस डायस पे उपस्थित हमारे सभी साथी और आप सभी भाई और बहनों, सवेरे 12 बजे से हम अभी तक सुन रहे हैं, सब लोगों की बातें सुनने के बाद में मैं भी कुछ सुनाना चाहिए ऐसा कुछ बचा होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी जो विषय हमने रखा है उस विषय को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास जरूर करूंगा। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहां बाबा साहब के 2 कोटेशन लिख के रखे हैं। जैसा बोला जाता है कि अभी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में काम कर रहे हैं, ये कि नाम से क्या क्या संगठन काम कर रहे हैं, तो आखिर में जाना किधर है? क्योंकि हमारी जनता उस संभ्रम में, उन्हें यह नहीं पता चल रहा कि हमें जाना किधर है। कोई भी कार्यकर्ता फील्ड में गया तो सबसे पहले उसको सवाल करते हैं कि आप किस ग्रुप से हो। तो हमें सॉल्यूशन देना होगा, और सॉल्यूशन तभी मिलेंगे कि हम जितने पुरखों के नाम लेते हैं उन्होंने क्या बताया, ये हमें समझना पड़ेगा। पहले जानो, फिर छानो, बाद में उसको मानो। छानने के बाद में अगर से वो सही नहीं लगता तो उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, छानने के बाद में जो सही लगेगा उसके साथ चलने का प्रयास करो। तो ये पहला बाबा साहब का कोटेशन है, इफ द डिसीज इज नॉट राइटली डायग्नोस्ड द रेमेडी विल बी यूजलेस। आपको अगर से डिसीज क्या है यही पता नहीं चला और बीमारी के ऊपर इलाज करते जा रहे हैं, हमें अगर से कोई बीमारी होगी है हम बीमारी के ऊपर इलाज करते जा रहे हैं तो वो यूजलेस हो जाएगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। इफ द डिसीज इज नॉट राइटली डायग्नोस्ड The remedy will be useless. उसके ऊपर कितना भी ये उपाय करो वो यूजलेस हो जाएगा। आगे बाबा साहब ने क्या कहा है, द क्योर मे बी पोस्टपोन्ड, जिस बीमारी को सुधारना चाहते वो आगे बढ़ते जाएगा। ये महान सत्य का जो संदर्भ हुआ था उस संदर्भ के संबंध में ये बाबा साहब ने लिखा है, वो वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 पेज नंबर 22 और 23 पे लिखा है, जिसमें यह भी जिक्र किया है लो
एम इज क्राइम, उसी पैराग्राफ में कि हमारा उद्देश्य छोटा नहीं होना चाहिए। हमारे साथियों ने बताया है हमारी सोच, हमारा सेटिस्फेक्शन उसके आगे होना चाहिए। जो आपको सही समझता है तो आप जिससे कमी से उनके साथ चलना चाहिए, लेकिन नया संगठन नहीं बनाना चाहिए। जो संगठन में आप चाहोगे वो संगठन में भलाई, अगर से कुछ गलती भी मिल जाती है तो वो गलती को ठीक करने के लिए काम करो, लेकिन वो संगठन मत छोड़ो। अगर वो चीज ठीक करते हैं तो वहां आप जैसे ठीक करने वाले लोग आ जाएंगे, तो नए लोगों का वो संगठन बन जाएगा, पुराने गलत लोग निकल जाएंगे यहां से। तो इसके लिए है यहां 25 मुद्दों का जिक्र किया है कि हमने, हम लोगों को जो अपील करते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, तो क्यों काम करना है आपने, तो इन सभी चीजों का जिक्र किया है, इसका आप पढ़े। और आपको जब भी लगता है तब आप इसके बारे में चर्चा करें, हम आपको इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे, इसकी कॉपी सबको दी जाएगी। तो जाते जाते आप इसकी एक एक कॉपी लेके जाए। और दूसरा मैं आपको यह करना चाहूंगा कि मूल निवासी बहुजन समाज का लिटरेचर चलना चाहिए, क्योंकि आज जैसा हमने यह प्रोग्राम लगाए भराई, हम 20-25 लोग ही आए हैं, लेकिन गांव में हमारे हजार लोग है ना, कुछ लोग सुनने के लिए नहीं आए, वो लोग पढ़ के सुनेंगे, पढ़ के समझेंगे, तो लोगों को समझाने की बात है ना। कुछ लोग इस माध्यम से समझेंगे, कुछ लोग उस माध्यम से समझेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन समझेंगे, सभी तरह के माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों तक हमारी बात हमें पहुंचानी है। तो यह बाबा साहब के मूवमेंट के ऊपर हम ये मराठी में चलाते हैं मैगजीन, आप अगर मराठी जानते हैं तो इस मैगजीन को पढ़ने के लिए आप इसका सब्सक्राइबर बने। दूसरा, डेली हम जो MNT न्यूज नेटवर्क चलाते हैं उसका आप सब्सक्राइबर बने। आप जिस दिन समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा उतना ही देखें, जब समय मिलेगा तब देखें, ऑनलाइन नहीं देखना हुआ तो बाद में भी आप देख सकते हैं लिंक पे जाके। तो डेली 3 घंटे रहता है MNT न्यूज नेटवर्क का, आप सब्सक्राइब करें तो उससे आपको महीने जितने समझा उससे ज्यादा समझने वाले लोग वहां एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग विषय पर अलग अलग चीज समझाते हैं। अगर आप मराठी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, तो ये हिंदी में पत्रिका चलती है मूल निवासी टाइम्स, इसका आप सब्सक्राइबर बने। समझो आज मैं समझाने के लिए आया, कल आऊंगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये पत्रिका आपके घर पे आएगी तो आपको नया नॉलेज निश्चित मिलेगा। संगठन कैसा चलाना है, कैसा आगे बढ़ना है, कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे चल रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यह अपील करता हूं और समय के अभाव से मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय मुनिवासी। पी श्याम सुंदर जी का 112वां जो जन्मोत्सव जो बीदर में मनाया गया वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब बाबा साहब का कोटेशन हम पढ़ते हैं, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। अगर इतिहास में कुछ हमारे साथ जो हाईलाइट, जिसको हाईलाइट किया हुआ है, वो ब्राह्मणाइजेशन से हुआ हो, क्या किसी संगठन से ब्राह्मणवादी ने उद्देश्य पूर्वक किया हुआ हो, वो काफी महत्वपूर्ण है। वो आंदोलन जो बहुजन या मूल निवासी आंदोलन या मूल भारतीय आंदोलन से नाम से जाना जाता हो, जो आधार के ऊपर बनाकर चलने वाला ही यही एक यही प्रोसेस है। उस प्रोसेस में युक्त लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, राइटर और जितने हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सोशल पॉलिटिकल जितने भी जो आने वाले हैं, उसका आधार इसको ये किए तो हम रेवोल्यूशन खड़ा कर सकते हैं, जो बाबा साहब के सोच था न्यू इंडिया एंड प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं। यही बोलकर मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी इस कार्यक्रम का आभार प्रकट करें। सबसे पहले सभी को जय भीम। मुझे धन्यवाद प्रकट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, समय तो बहुत हो चुका है लेकिन 2-3 मिनट्स में आई विल फिनिश। सो जब मैं डिग्री पढ़ता था फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में, जब से शिव रुद्र सर मेरे रूममेट है, तो एक बार
हम अम्बेडकर सर्कल गए थे, ऐसे ही एक एग्जाम्पल बताओ बी श्याम सुंदर, मुझे कब पता चला उनके बारे में, तो मैंने पूछा ये किनका है यहाँ पर सर्कल, इन्होंने कहा कि बी श्याम सुंदर जी का है, कि इनका एक ऐसा इतिहास है छुपाया गया है, और ऐसे ऐसे मुझे जब पता चला ये भी हमारे महापुरुष है। अब हमारे भारत देश में जितने भी कम्युनिटी है उनको बचपन से बाबा साहेब अम्बेडकर का पता है, हाँ ये हमारे आइकॉन है, लेकिन जब मैं डिग्री में आया इतने बड़े आइकॉन है इस सेंचुरी में, मुझे डिग्री में पता चला बोले तो एक बहुत बड़ा इतिहास छुपाया गया है। और बुद्धा एक बात कहते हैं, थ्री थिंग्स कैन नॉट बी हिडन लॉन्ग टाइम, सन मून एंड ट्रुथ, तो ये भी एक ट्रुथ है, कभी ना कभी ओपन होना है ये। और जैसे कि क्या बोलते हो इधर भीमा कोरेगा, वो भी हमारे लोगों को इसके इससे भी बहुत अनजान थे, जब कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ वहाँ पर पत्थर बरसाए गए तो उसके बाद ही हाँ भीमा कोरेगांव है, हर साल ये सेलिब्रेशन होता रहा। और ऐसे और एक एग्जांपल हमारे अन्ना भाऊ साठे, हाँ वो भी हमसे परे थे, हमको उतना उनके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन अब ऐसा देखने में आता है कि उनके एवरी ईयर उनका जो जन्मदिन है उनके बैनर सभी तरफ दिखते हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ हमको मालूम करने हैं। और ये क्या है बोले तो मीटिंग के रिव्यू के बारे में, जो रंग मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ तो उस वो प्रोग्राम एक्चुअली मैं आफ्टरनून अटेंड किया, मॉर्निंग सेशन में अटेंड नहीं कर पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक फीडबैक है पर्सनली आई फील, पहले पिक्चर आते थे 3 घंटे के, अब के जनरेशन में उतना पेशेंस नहीं है, जो 2 से 2.5 घंटे में फिनिश कर दे रहे, तो मुझे लगता है प्रोग्राम जितना क्यों बड़ा नहीं रहता, जो भी प्रोमो करता है ये एक या दो ही होना चाहिए, उनकी ही बात फुल्ली कंटेंटली हमको सुनना चाहिए। बहुत सारे भी लोग बुद्धिजीवी राइस पर होंगे लेकिन सभी का एक स्मार्ट कंटेंट में हमको मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कीजिए लेकिन जो बोलने वाले हैं दो लोगों को ही दे दो, तो उनका जो है मेन इंटेंशन है और जो फिलॉसफी है आइडियोलॉजी है हमको क्लियर में हमको पता चलता है। तो हमारा जर्नी हुआ स्टार्ट प्रज्ञा मैत्री बोल के, हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए जब हम डिग्री में थे, तो जो ये आइडियोलॉजी हर एक विलेज में जाकर देखे थे अम्बेडकर आइट का, बाद में माधव कांबळे सर जी को मिले, बाम सेफ का थ्योरी हमको पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो बहुत सालों से चलता रहा दौर, तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे है और बीदर जिले में हमारे सभी तरफ अच्छे से बॉडी रेडी हो चुका है, एक बड़ा नेटवर्क है, तो आगे आने वाले दिनों में हम गए रंग मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ, उससे ये पता चला कि हम कभी भी वोट दे के हमारे लीडर्स को हम इलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ये भी काम है कि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव आने का है, वो एक मेरे को बात बहुत अच्छा लगा, तो हमको ये काम करना है कि हमारे ही MLA MP CM PM चाहिए, हम वोट देने वाले ही है अब तक, लेकिन हमारे लीडर्स कोई नहीं, वो एक बात मुझे प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। और हम इस जयंती से बी श्याम सुंदर के जो क्रांतिकारी जो भूमि है, जो क्रांतिकारी उनका जो विजन था, तो हम क्या करेंगे बोले तो जितने भी इस जो मूवमेंट में जुड़ के आने वाले दिनों में बी श्याम सुंदर का जो भी लिटरेचर है उनका जो भी हिस्ट्री है विलेज से लेकर हम स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि सर ने कहा मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड में वर्क कर चुका हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बस हम रंग मंदिर में वगैरह वगैरह इधर उधर बड़े बड़े प्लेस पे हम बहुत सारे बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन इससे चेंजेस नहीं होगा, हमको अगर रियल मेंटेलिटी और रियल चेंजेस करना है तो हमको ग्राउंड लेवल में उतरना पड़ेगा, कि लोगों की मेंटेलिटी हमको समझ को उनको एक यूनिटी में ला के नेहरू स्टेडियम के जैसे बड़े एक मैदान में हमको नेक्स्ट आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे कहकर मेरे दो क्या बोलते हो दो विचार यहाँ पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद, इतने ही। सो आज के दिन सुबह जितने भी यहाँ पर लोग हैं उपस्थित, मकसूद सर, वरुण कुमार सर हैदराबाद से, बीबी मेश्राम जी औरंगाबाद से, सैयद जुल्फेकर हाशमी जी, वैजीनाथ जी, प्रमोद मंदाड़े और फिरोद क्या है फिरोदुर सनी, अशोक मालगे, सुनील कुमार, प्रोफेसर जगन्नाथ बेटगेरे क्या है बेटगेरे,
दातो सेना, अनिल बेलदार सर, रमेश दातोलुदी सर, त्यागे सर, बसवराज मालगे, महेश गुरनाकर, माधव कांबड़े सर और अन्य उपस्थित आज आपका सभी अपने समय दिया तो इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.